नमस्कार, हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं देवर्षि नारद की एक रोचक कहानी। एक बार राक्षस राज रावण कैलाश पर्वत पर महादेव जी की आराधना करने लगा। वहां महादेव जी को प्रसन्न न होते देख वह हिमालय के वृक्ष खंडक नामक दक्षिण भाग में जाकर तपस्या में लीन हो गया। वहां भी जब उसने शिव जी को प्रसन्न होते नहीं देखा तब वह अपना मस्तक काटकर शिवलिंग पर चढ़ाने लगा। 9 मस्तक काटकर चढ़ा देने के बाद जब 1 मस्तक बचा तब शंकर जी प्रसन्न हो गए और बोले, राक्षसराज अभीष्ट वर मांगो। रावण ने कहा, भगवान मुझे अतुल बल दे और मेरे मस्तक पूर्ववत हो जाए। भगवान शंकर ने उसकी अभिलाषा पूर्ण की। इस वर की प्राप्ति से देवगण और ऋषिगण बहुत दुखी हुए। उन्होंने नारद जी से पूछा, नारद जी इस दुष्ट रावण से हम लोगों की रक्षा किस प्रकार होगी? नारद जी ने कहा, आप लोग जाएं, मैं इसका उपाय करता हूँ। यह कहकर नारद जी जिस मार्ग से रावण जा रहा था उसी मार्ग पर वीणा बजाते हुए उपस्थित हो गए और बोले, राक्षसराज तुम धन्य हो, तुम्हें देखकर मुझे असीम प्रसन्नता हो रही है। तुम कहाँ से आ रहे हो और बहुत प्रसन्न दिख रहे हो। रावण ने कहा, देवर्षि मैंने आराधना करके शिव जी को प्रसन्न किया है। यह कहकर रावण ने सारा वृतांत देवर्षि नारद के सामने प्रस्तुत कर दिया। यह सुनकर नारद जी ने कहा, राक्षसराज शिव तो उन्मत्त हैं, तुम मेरे प्रिय शिष्य हो इसलिए कह रहा हूँ। तुम उस पर विश्वास मत करो और लौटकर उसके दिए हुए वरदान को प्रमाणित करने के लिए कैलाश पर्वत को उठाओ। यदि तुम उसे उठा लेते हो तो तुम्हारा अब तक का प्रयास सफल माना जाएगा। अभिमानी रावण देवर्षि नारद की बातों में आ गया और लौटकर कैलाश पर्वत उठाने लगा। ऐसी स्थिति देखकर शिव जी ने कहा, यह क्या हो रहा है? तब पार्वती जी ने हंसते हुए कहा, आपका शिष्य आपको गुरु दक्षिणा दे रहा है, जो हो रहा है वह ठीक ही है, यह अभिमानी रावण का कार्य है। ऐसा जानकर शिव जी ने उसे शाप देते हुए कहा, अरे दुष्ट, शीघ्र ही तुम्हें मारने वाला उत्पन्न होगा। यह सुनकर नारद जी वीणा बजाते हुए चल दिए और रावण भी कैलाश पर्वत को वहीं रखकर विश्वस्त होकर चला गया। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।